दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल लेडीज स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ 44 चेस्ट के लिए 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। तो ये मैंने नाप लिख रखा है, इस अकॉर्डिंग हम फर्मा कटिंग करने वाले हैं। तो लंबाई हमें बनानी है 14.5 इंच, चेस्ट है हमारा 44 44 इंच, कमर है हमारी 38 इंच, शोल्डर है 16 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और आस्तीन की जो गोलाई है वो है 15 इंच। तो इस नाप से हमें इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। गला देख लेते हैं। गला हमें आगे बनाना है 6 इंच और जो पीछे गला है वो है 8 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई लेंगे अपनी, जो कि है 14.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। ये 15.5 इंच। अब उसके बाद सीधा आते हैं हम शोल्डर पर। तो शोल्डर है हमारे 16 इंच, यानी उसका हाफ हो जाता है ये 8 इंच। अब देखिए, यहाँ पर आर्म होल हम तब खींचेंगे जब हमारा बॉट नेक हो, लेकिन अब हमारे पास बॉट नेक नहीं है, हमें गला लेना है पीछे। तो गला हमें बनाना है 8 इंच और जब हम 8 इंच गला बनाते हैं तो ये जो हमने शोल्डर लिया है एग्जैक्ट, उसमें से 1.5 इंच हम लेस करेंगे। और उसके बाद आर्म होल, तो ये मैंने लिया है 6.25 इंच और इस आर्म होल को हम बाद में स्लीव कटिंग करते टाइम नापेंगे ज़रूर। अब जो हमारा चेस्ट है वो है 44, यानी उसका 1/4 हो जाता है हमारे पास 11 इंच और ये 1.5 इंच रखना है हमें अपना सिलाई वाला मार्जिन। इसी तरह से कमर है हमारी 38 इंच, तो ये देख लेते हैं हम 38 का 1/4 जो होता है वो होता है 9.5 इंच। उसके बाद जो पीछे हम डार्ट लगाते हैं, टक्स लगाते हैं, तो वो लगाएंगे हम 1/4 इंच और उसके बाद ये 1.5 इंच का हो जाएगा हमारा सिलाई वाला मार्जिन। देखिए, ये है 9.5 इंच, कमर का 1/4, उसके बाद ये हमारी डार्ट 1/4 इंच की और ये है हमारा 1.5 इंच का सिलाई वाला मार्जिन। यहां पर लेंगे हम गोलाई 1/2 इंच। अब देखिए गला, तो गला अभी आपके बनाने पे डिपेंड करता है। अगर आप पट्टी से बनाते हैं जो अंदर फोल्ड होती है, तुरपाई वाली पट्टी, तो आप 2.5 इंच लेंगे और अगर आप पाइपिंग से बनाते हैं तो पाइपिंग में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, तो आप अगर 2.5 लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा और कसाव हो जाएगा, तो आप इसको 3 इंच ले सकते हैं। अब हमें गला बनाना है 8 इंच, तो मैंने लिया है 8.5 इंच और ये 3 इंच। और अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो नीचे की साइड से आप इसको हल्का सा चौड़ाई ज़्यादा दे सकते हैं। बैक में जो डार्ट है वो है 5 इंच लंबाई में और पहले हमने नाप में देखा ये 1/4 इंच हमें इसको लगाना है, यानी टोटल 1/4 इंच है इसकी। अब देखिए आगे का हिस्सा बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे हुक पट्टी वाला। ये हुक पट्टी के लिए मार्जिन होगा और उसके बाद हम रखेंगे पीछे वाला पर्दा। अब ये जो पीछे वाला पर्दा है इसे हमें लेंथ में बढ़ाना है 2.5 इंच तक। वैसे हम नॉर्मल जो होता है चेस्ट तब 2 इंच बढ़ाते हैं और अगर थोड़ा सा भी नाप ज़्यादा है तो हमने इसको बढ़ाया है 2.5 इंच। गले की साइड में एक निशान और ये हो जाएगा हमारा एज इट इज़ जो आर्म होल है उसके लिए एक निशान। अब उसके बाद पूरा आर्म होल छापने से पहले इसे हम 1/2 इंच नीचे सरकाएंगे ताकि आर्म होल की जो डार्ट है वो आ जाए।
अब हम इसको हटा लेंगे। अब देखिए नेक है हमारा 6 इंच, तो ये लेंगे हम 6.5 इंच। अब यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो शामिल है, और इस आर्म होल को मैं 1/2 इंच अंदर के साइड में लेना है आगे के लिए। अब देखिए इसमें से हमें बेल्ट अलग करना है, तो बेल्ट आप किस अकॉर्डिंग अलग करेंगे। जैसे हमारा चेस्ट है 44, तो उसका निकालेंगे हम 1/4, तो ये आ जाता है हमारे पास 11 इंच। नॉर्मल नाप में हम इसमें ना जो ऐड करते हैं वो है 3.5 इंच, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेस्ट ज़्यादा है तो आप इसको 1/2 से लेकर 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं, यानी 15 से 15.5 के बीच में ले सकते हैं। तो यहाँ ऊपर से हम इसको लेंगे 15 इंच। और यहाँ पर 1 इंच लगभग ये हो जाता है हमारा बेल्ट का तिकोना हिस्सा। अब यहाँ पर जो है बेल्ट तो हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन हमने क्योंकि 2.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच निकालना होगा। ऐसा करने से हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आती है, पफ अच्छा बनता है, तो यहाँ से हम इस 1/2 इंच को निकालेंगे। और इस बेल्ट में से हम 1 इंच कम कर लेंगे, आप कमर को नाप कर भी कम कर सकते हैं, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच हमने छोड़ा है, उसके बाद हमारा जो चेस्ट है 44, तो इसका 1/10 हिस्सा लेंगे हम, यानी कि 1/10 हिस्सा का मतलब है उसके बीच में आप पॉइंट लगा के भी देख सकते हैं, जैसे 4.4 यानी कि 4.5 इंच, और इसकी लंबाई हम लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद 1 इंच ऊपर, और यहाँ पर कर लेंगे हम इसको सीधा, और यहाँ पर हमारी जो डाट है वो जाएगी 3 इंच, 3.75 इंच। यहाँ पर 1.5-2 इंच का गैप, और ये ले लेंगे हम तीसरी डाट, चौथी हो जाएगी हमारी आर्म होल से 5 इंच की दूरी से, और इसी गैप में 1.5-2 इंच के बीच में, और ये होगी हमारी चौथी डाट। तो इस तरह से हमारी चारों डाट हो जाएगी। अब देखिए हमारी स्लीव, तो स्लीव हमें लेनी है 5 इंच, और उसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच, तो जब 5 है तो हम ले लेंगे इसको 6 इंच, और इस 6 के सेंटर में यानी कि 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब देखिए स्लीव, स्लीव की जो गोलाई है वो है 15, यानी कि उसका 1/2 हो जाएगा 7.5 इंच, और ये जो हमने ऊपर से 3 इंच पर लाइन खींची है वहाँ पर होगा हमारा 1 इंच ज़्यादा, यानी कि 8.5 इंच, और ये होगा हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। और ऊपर से अब इसको देंगे हम गोलाई। अब देखिए आर्म होल नाप लेते हैं हम, यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर, यानी कि जहाँ हमारी सिलाई आने वाली है यहाँ से हमें अपने आर्म होल नापना है। ये आ रहे हैं हमारे पास 9 इंच, यानी कि 18 इंच। अब देखिए जो हमने पीछे वाला हिस्सा काटा था उसमें आपको इस आर्म होल को देखना है, तो 1/2 इंच ऊपर शोल्डर वाली सिलाई आ जाएगी, तो उसको छोड़ते हुए और अंदर के साइड में 1/2 इंच, यानी कि यहाँ से, तो ये देखिए ये भी जो है 9 इंच आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्लीव कटिंग का फार्मूला आपने देखा होगा हमारे वीडियो में, तो वो एग्जैक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आर्म होल जान सकते हैं। तो ये होगी हमारी स्लीव कटिंग। और आगे के लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ फर्मा कटिंग कर रही हूँ, आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, तो आगे के लिए देख लीजिए। यहाँ पर हमने सेंटर पर निशान लगा दिया 8.5 का 1/2, 4.25 इंच, और यहाँ पर 1/4 इंच की हमें गोलाई देनी है आगे के लिए।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।